फर्स्ट टाइम आप लोग आए अभी जितना सेशन चला थैंक यू जितना भी सेशन चला एक डेढ़ घंटा दो घंटा जो भी चला आपको मुझे पूरा विश्वास है समझ में आया होगा डीएक्शन क्या है डीएक्शन का पर्पज क्या है उद्देश्य क्या है और आप लोगों को बुलाया गया था तो क्या सही जगह बुलाया गया था या फिर टाइम पास सही जगह यानी कि आप लोग एकदम सही समय पे सही जगह पे बैठे हुए हैं। चलिए मैं थोड़ा सा मेरा अपना परिचय दे दूं नए लोगों को पुराने तो हमारे सभी साथी हैं। मेरा नाम अश्विनी सिंह है और मैं इंडिया के आजमगढ़ से हूं और पिछले 13 साल से डीएक्शन के अंदर मेरा वर्क हो रहा है और आज देखा जाए तो वर्ल्ड वाइड लगभग 26 कंट्री के अंदर मेरा बिजनेस है 26 कंट्री के अंदर मेरे लोग हैं और 19,200 लोगों का टीम कल रात तक था। आज कुछ जरूर बढ़ा होगा ये डीएक्शन का सफर शुरू करने के पीछे बड़ी कहानी है उसमें नहीं जाएंगे बस एक चीज में जाएंगे। अभी बहुत सारी बातें हुई हैं हेल्थ को लेके आज लगता है हेल्थ की बात होनी चाहिए नहीं हेल्थ की बात नहीं होनी चाहिए दोस्त अगर आज हेल्थ की बात नहीं होगी तो अनहेल्दी होने के लिए सोचना नहीं पड़ेगा उधर तो जाएगा सही नहीं सही है हमें हेल्थ की बात करनी पड़ेगी और सिर्फ बात नहीं करनी पड़ेगी हेल्थ के लिए हमें वो सब करना पड़ेगा जो हमें हेल्दी रखने के लिए करना चाहिए जरूरी है। अगर हमने वो नहीं किया तो बीमार पड़ने के लिए जाना नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम पहाड़ पे गाड़ी चढ़ाते हैं तो एक्सीलेटर दबाना पड़ेगा कि नहीं दबाना पड़ेगा एक्सीलेटर दबाना पड़ेगा तो हम पहाड़ पे चढ़ सकते नहीं चढ़ सकते अगर हमने एक्सीलेटर छोड़ दिया तो बैकगेट डालना पड़ेगा नहीं। सेम वे अगर हम हेल्थ के लिए नहीं सोचेंगे हेल्थ के लिए काम नहीं करेंगे तो बीमार पड़ना नहीं पड़ेगा हो जाएंगे और लोग हो रहे कि नहीं हो रहे हैं तो डीएक्शन का प्रोडक्ट अगर कंज्यूम करते हैं तो ये सेफ्टी है कि आप हेल्दी रहेंगे लॉन्ग लाइफ आप जवान रहेंगे फिट रहेंगे और सुंदर रहेंगे जो चाहते हैं वो रह सकते हैं इस शरीर का मजा ले सकते हैं। दूसरी थिंग दूसरी चीज आज गरीबी घट रही बढ़ रही है कितने लोग परेशान है पूरी दुनिया परेशान है हर आदमी आज पैसे को लेकर परेशान है। दोस्त ये कैसा इंडस्ट्री है ये हेल्थ के लिए लोग बोलते हैं ना कि हमारा प्रोडक्ट 90% फायदा करता है 99% फायदा करता है क्योंकि बड़े चालाक लोग होते हैं 100% की बात नहीं करते हैं क्योंकि 100% की बात करने में लफड़ा है कि आदमी प्रोडक्ट भी खा रहा है और हैबिट भी अच्छी अच्छी है सुबह प्रोडक्ट खा रहा है शाम को गैलेक्सी में भी बैठ रहा है तो लफड़ा हो सकता है नहीं हो सकता है तो इसलिए 99% बट अगर डीएक्शन का सिस्टम अडॉप्ट करते हैं डीएक्शन के बिजनेस के अंदर आते हैं मैं आपको सिक्योरिटी देना चाहता हूं कि आपकी गरीबी 100% दूर हो जाएगी इसकी गारंटी मैं देता हूं। क्यों क्योंकि आने वाला जो समय है या जो समय चल रहा है ये किस चीज का चल रहा है ये वेलनेस इंडस्ट्री का समय चल रहा है। वेलनेस इंडस्ट्री समझते हैं वेलनेस इंडस्ट्री पता है वेलनेस इंडस्ट्री पता नहीं अच्छा ना वेलनेस इंडस्ट्री का अगर पता नहीं तो आज जानिए आप जिस जगह पर बैठे हुए हैं ये वेलनेस इंडस्ट्री में आज बैठे हुए हैं। वेलनेस इंडस्ट्री का मतलब होता है आपकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा हो वेल और वेरी वेल हो यानी कि आपका स्वास्थ्य अच्छा हो आपकी सुंदरता अच्छी हो आपका सोशल स्टेटस अच्छा हो और सबसे खास बात आपका पॉकेट अच्छा हो इसको बोलते हैं वेलनेस इंडस्ट्री। बाहर की इंडस्ट्री में क्या हो रहा है स्वास्थ्य भी जा रहा है सोशल स्टेटस भी खत्म हो रहा है और पैसा भी खत्म हो रहा है। आपको पता है जो नौजवान लोग हैं पैसे को लेकर परेशान हैं वो क्या कर सकते हैं यहाँ पे आके जरूर प्रोडक्ट ये चाय आपके हेल्थ को इम्प्रूव करता है तो सिर्फ आपको चाहिए पूरी दुनिया को चाहिए तो पूरी दुनिया जाने कैसे इसके बारे में बताना पड़ेगा कौन बताएगा तो आपका क्या होगा पता है। अभी गोविंद जी को प्रॉब्लम आया प्रोडक्ट खाए गलती से अपना फायदा छुपा न सके बताने लगे इनकम भी जनरेट होना शुरू हो गया या तो आम क्या हुआ गुठलियों के दाम है। राम भुरेश जी आए प्रोडक्ट खाए हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए हेल्थ इम्प्रूव हो गया कैसे हो गया क्यों हो गया कब हो गया बताना चालू कर दिया इनकम जनरेट होना शुरू हो गई। हमारे शिलाल जी पिछले लगभग 4 साल से प्रोडक्ट खा रहे हैं जब प्रोडक्ट खा रहे थे 14 महीना पहले लगे बताने जल्दी जल्दी तो आज डायमंड हो गए और इनकम जनरेट होना शुरू हो गया ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इस प्रोडक्ट के बारे में अगर हम बात करते हैं तो हमारा इनकम जनरेट होगा तो बात कितना करना चाहिए जल्दी किससे बात करनी चाहिए लोगों से बात करनी चाहिए। चलिए बहुत सारे यंगस्टर बैठे हुए हैं आप लोग क्या करेंगे पढ़ाई लिखाई करके कितने लोग एजुकेशन में हैं मैं बाहर हूँ कितने लोग हैं कि बाकी लोग एजुकेशन खत्म कर चुके हैं अच्छा कितने लोग जॉब में हैं
जॉब में कितने लोग बिजनेस में है? बहुत सारे बिजनेस मैन यहाँ पे हैं। बहुत बढ़िया, यानी कि सब लोग पैसे के लिए कुछ न कुछ कर रहे हैं। कर रहे हैं। अगर आप अपनी जगह पे टाइम देना बंद कर दे तो पैसा आएगा? इसका मतलब यह है कि आज आप यहाँ बैठे हो तो उधर से पैसा आना बंद है। इसका मतलब यह है कि आपका बिजनेस आपके ऊपर डिपेंड है। माई डियर फ्रेंड, बुरा लग सकता है बट आप अमीर नहीं बनेंगे, क्योंकि दुनिया में जो पहला अरबपति आदमी था, सबसे कम उम्र में जो अरबपति दुनिया में पहले बना, उसका नाम है जयपाल जट्टी। उसने एक चीज बोला था कि अगर आपको अमीर बनना है तो आपको बिजनेस करना पड़ेगा, नौकरी सिर्फ आजीविका चलेगी। उसका एक वर्ड था, क्या बोला? अगर आपको अमीर बनना है तो आपको बिजनेस करना पड़ेगा, नौकरी सिर्फ आजीविका चलेगी, बट बिजनेस भी ऐसा हो जो 2% आप पे डिपेंड हो और 98% लोगों पे डिपेंड हो, और आपका बिजनेस 100% आपके ऊपर डिपेंड है। उसने भी बताया बिजनेस की हो तो FMCG का हो। FMCG रोजमर्रा की इस्तेमाल करने वाली चीजें। ये बात हमारे देश में टाटा को बहुत पहले समझ में आ गई थी, इसीलिए उसने ट्रक बनाने के साथ साथ नमक भी बनाया और चाय भी बनाया। रिलायंस ग्रुप को समझ में आ गई तो भिंडी बेचना चालू कर दिया। बट आज अगर ये बात आपको समझाने की कोशिश अगर की जा रही है, आपके फ्रेंड्स कर रहे होंगे आज से पहले, अरे चाय बेचने का बात कर रहा है यार, होता नहीं होता है, तो चाय की बात कर रहा है, ये चाय तो एक बहाना है। अभी हमारे PCL ने क्या बताया आपके देश के बारे में, यानी कि हमारे नेपाल के बारे में, कि हमारे नेपाल के अंदर गए साल में 7 अरब रुपए का मार्केट था चाय का। कितने का? 7 अरब का। अरे 7 अरब का चाय पी के हेल्थ मिलता है? नहीं मिलता है। तो ये चाय पीने से मिलता है कि नहीं मिलता है? कितने लोगों को मिला है देखिए, बाहर की 7 अरब की चाय में एक भी आदमी हाथ खड़ा करेगा नहीं, उल्टा उल्टा गैस्ट्रिक का समस्या मिलता है, डाइजेशन खराब मिलता है, जवानी खत्म हो जाती है, कैंसर होता है, भरतपुर जाते हैं, ये हो रहा है ना। बट ये चाय पीने से ये सब समस्या को रोकता है और चाय का मजा मिलता है, और सबसे खास बात जवानी बढ़ाता है। और जवानी की जरूरत है कि नहीं है? जवानी की जरूरत आज सबको है, और आज का नौजवान जवानी में बुढ़ापे का मजा ले रहा है। तो आपको अगर मैं पूछूं कि बिजनेस में ज्यादा पैसा है या जॉब में ज्यादा पैसा है, तो क्या करना चाहिए? बिजनेस करना चाहिए। ये एक ऐसा बिजनेस है जिसको करने के लिए कोई बड़ी पूंजी नहीं लगानी चाहिए। ये बिजनेस ऐसा है कि पहला है यूज करना। अभी PCL ने पीछे लिखा था कुछ डेली यूज के प्रोडक्ट, जो किससे मिलता है? पैसे से। वो सारे प्रोडक्ट यहाँ हैं, ये भी कैसे मिलते हैं? पैसे से। बट यहाँ पे प्रोडक्ट पे प्रोडक्ट के साथ साथ आपको PV भी मिलता है, यानी कि पॉइंट भी मिलते हैं। जो नए लोग हैं उनको हमारे पुराने साथी समझाएंगे बाद में, और जो पुराने हैं उनको ये चीज पता है। तो आपको ये चाय कहाँ डालना है? घर में। अरे पेट में तो डालेंगे, मार्केट में, घर में भेजना है। ये चाय कहाँ डालना है? घर में डालना है, क्योंकि ये एक स्वास्थ्य मिशन है। आप एक मिशन के तौर पे अगर इस चाय को घर घर डालते हैं तो क्या होगा पता है? ये घर घर में चाय इस्तेमाल होगा और आपका क्या होगा? व्यापार होगा। क्या हुआ? तो घर घर में जाएगा तो घर घर में लोग यूज करेंगे, तो घर घर में स्वास्थ्य मिलेगा, और आपको क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। मैं मेरी कहानी बताऊं, मेरे साथ 19,200 लोग हैं। अगर मेरे पास टाइम फ्रीडम है, मेरे पास इनकम का फ्रीडम है, मेरे पास हेल्थ का फ्रीडम है, मेरे पास इस सब चीज की सिक्योरिटी का फ्रीडम है, मैं आज नेपाल में हूँ फिर भी मेरा बिजनेस चल रहा है, मैं कल इंडिया में होऊंगा फिर भी मेरा बिजनेस चलेगा, मैं परसों कहीं और होऊंगा मेरा बिजनेस चलेगा, क्योंकि जब सुबह होगी लोग प्याले में चाय कॉफी डालेंगे तो मेरा बिजनेस चलेगा। और ये तब तक चलेगा जब तक इस दुनिया में लोग चाय पीते रहेंगे, और ये आगे चल के और फास्ट होने वाला है। क्यों? क्योंकि लोगों को पता चलते जा रहा है कि अरे ये DXN का चाय तो हेल्थ प्रमोट करता है, तो मुझे दे दो। तो ये जो देने वाले हैं उनके घर में इनकम भी आएगा। तो सबको आएगा? पक्का? सबको नहीं आएगा, ये पक्का है। 19,200 लोगों में सबको नहीं आता है। पूरी दुनिया में, वर्ल्ड, पूरे विश्व में DXN में आज 70 लाख से भी ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर है, सबको आता नहीं है, फिर भी 11,000 करोड़ का टर्नओवर है। किसको आएगा? जो करेगा उसे। तो काम तो सभी करते हैं भाई, जिसके पास लोग होंगे थोड़ा उस समय लगेगा, बट काम सभी करते हैं। यहाँ पे सब काम करते कि नहीं करते हैं? करते हैं, बट सबको नहीं आएगा, क्योंकि नेचर का सिद्धांत है।
ये नेचर का सिद्धांत है। किसको आएगा? एक पैरेटो प्रिंसिपल है, मैं उसके बारे में थोड़ा शेयर करना चाहता हूँ। विल फरेटो पैरेटो ने एक सिद्धांत दिया था, एक नेचर का प्रिंसिपल है। वो प्रिंसिपल को दुनिया का बड़ा से बड़ा अमीर आदमी, बड़ा से बड़ा उद्योगपति फॉलो करता है, इसीलिए अमीर है। बाकी लोग सोचते कि अमीर कैसे है, ये अमीर कैसे है। दो और दो कितना होता है? चार। चार होता है, दो और दो पांच नहीं होता है, क्योंकि ये प्रिंसिपल है। वो प्रिंसिपल कभी झूठा हो नहीं सकता, कुदरत कभी गलत हो नहीं सकती। तो विल फरेटो पैरेटो का सिद्धांत, जिसको पैरेटो प्रिंसिपल बोला जाता है, ये सच्चा प्रिंसिपल है। इसके बारे में थोड़ा सा बात करें। yes, sir. इस प्रिंसिपल में इन्होंने क्या बताया है, ये प्रिंसिपल 20-80 का चलता है, 20 और 80 का चलता है। ये प्रिंसिपल को उन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल समझाए हैं, उस एग्जाम्पल को हम लोग शेयर करते हैं। इन्होंने बताया है कि इस पूरी दुनिया में 80% धन संपत्ति, जमीन जायदाद, रुपया पैसा सिर्फ 20% लोगों के पास है। सही है गलत है? इस दुनिया का 80% पैसा सिर्फ दुनिया के 20% लोगों के हाथ में है। सही है गलत है? इसीलिए सिर्फ 20% लोग अमीर और 80% लोग गरीब है। ये सिर्फ आजीविका चला रहे। इन्होंने और आगे समझाया कि इस दुनिया में जितनी भी मटर की फलियां है, यानी जितनी भी आपको मटर मिलती है मार्केट में, वो सिर्फ 20% बीज से आती है। सही नहीं गलत है? दुनिया का 80% भोजन सिर्फ 20% जमीन से पैदा होता है। और मजे की बात ये भी है कि दुनिया की 80% दारू, 20% शराबी घटक जाते हैं। और उन्होंने यहां भी बताया है, इस बिजनेस में 80% बिजनेस सिर्फ 20% लीडर जनरेट करता है, और वही पैसा कमाता है। कमाता है। तो आप 20% में आने वाले हैं या नहीं? बिल्कुल। उन्होंने बताया बाकी जो 80% वो बंदर कूद वाले हैं, वो कभी इधर भी झांक लेंगे, कभी इधर भी झांक लेंगे, कभी सोच जाएंगे, कभी नेगेटिव जाएंगे, कभी अपलाइन तंग करेंगे, कभी डाउनलाइन तंग करेंगे, कभी क्लासलाइन को ज्यादा तंग करेंगे। वो सिर्फ तंग करेंगे, यानी कि बंदर कूद करेंगे। जो 20% लोग सीरियस हैं अपने लाइफ को बदलने के लिए, वही लोग सफल होंगे। ये कल भी था, आज भी और कल भी रहेगा। ये बात हेल्थ में भी सही होती है। अभी हमारे अब पीसन ने क्या बताया कि दुनिया में स्वस्थ रहने की बात 100% लोग करते, मगर फॉलो 2% करते, तो स्वस्थ कौन रहेगा? बात करने वाला या फॉलो करने वाला? कभी ये चाय पी लूं, कभी मिश्रा चाय पी लूं, कभी तुलसी चाय पी लूं, फिर ये लगे आज पी लूं, नहीं मिलेगा। इसके साथ लगना पड़ेगा और इसके सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। और सिस्टम को फॉलो करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको अमीर बनना तो क्या करना पड़ेगा? काम तो सभी कर रहे ना, सबसे ज्यादा रिक्शे वाला काम करता है, बाहर मेहनती नहीं है, डूंगा उठाता वो सबसे ज्यादा काम करता है, बट सबसे अमीर नहीं है। आपको काम करना पड़ेगा, और काम करने के लिए सबसे बड़ी जो चीज होती है जिंदगी में, होती है सपना, ड्रीम। सपना है कुछ आपकी जिंदगी में? कुछ सपना है? किसकी किसी जिंदगी में सपना है? सपना है। अभी कुछ लोग रात, आज एक लोगों के साथ में था, तो वो सुबह उठे, मतलब बाद में आए मेरे, सुबह चाय पे हमको मिलने के लिए आए। उन्होंने बोला कि हमने आज बड़ा भयंकर सपना देखा। अरे साला डरावना। तो लोग कॉफी पी रहे थे होटल के अंदर, तो आए बोले सर आज मैंने बड़ा खतरनाक सपना देखा। तो हमारे संजय सर, वो भारतीय संविधान है, तो वो बड़े मतलब बोले ऐसा करो जो सपना देखा उसको कागज पे लिख के जला दो, उसका नुकसान हो जाएगा। हे भगवान, मैं भी आज पहली बार जाना है। अच्छा मतलब दोस्त, सपने देखना अच्छी बात है, मगर सपने आपको रात में अच्छी नींद दे रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। मैं आपको बताऊं, सपने वो नहीं जो रात में सो के देखे जाएं, जब सुबह उठेंगे सिर्फ तन्हाई मिलेगी। सही नहीं? सही है। सपने वो है जो आपको सोने ही न दे, परेशान कर दे कि रात इतनी लंबी कैसे भी, जल्दी छोटा ये दिन होता तो मैं लोगों से जाके मिलता। तो सपने आपको सोने देने वाला नहीं होना चाहिए, और सपना लाइन से होना चाहिए। और जब सपना होगा और आपके पास बर्निंग डिजायर होगी, ज्वलंत इच्छा शक्ति होगी, तो आप काम करेंगे। वरना यहाँ पे होता क्या पता है, यहाँ पे आप एनर्जी लेके जाते हैं, चाय की बात है, ओहो ऐसी चाय, क्यों बाहर 56 कंपनी वाले घूम रहे हैं, वो करोड़पति बन रहा था, वो खरबपति बन रहा था, अभी वो बंबई में जाके बेलचा चला रहा है। तू भी ऐसा लेके आ गया? ऐसा होता ही नहीं होता है। तो ये सपना आपका होना चाहिए स्ट्रांग। सपना जब स्ट्रांग होगा तो आप लोगों को बात करेंगे, लोगों को बात करेंगे, लोगों को बात करेंगे, लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे नहीं, तुरंत मान जाते हैं बात नहीं।
अरे आपने भी नहीं माना था, मैंने भी नहीं माना था, तो लोगों से वो तो हम जब मान गए खाना सुने तब जान गए, जब जान गए तो फिर भी बताना शुरू कर दिया। हमने इस सिस्टम से अपने सपने को कनेक्ट कर लिया तो हम टिक गए, क्योंकि मुझे पता था मेरा सपना यहाँ से पूरा होगा, क्योंकि मुझे पता था कि इसका कोई दुनिया में जवाब नहीं है। अभी इसको लेके बात करें, फुलचंद जी बहुत बड़ा पावर है, ये बहुत बड़ा पावर है। बहुत सारा आप दुनिया वेलनेस इंडस्ट्री के बाद बाहर वाले भी कर रहे हैं, कोई तेल बेच रहा है, कोई नमक, कोई तेल बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, वो भी इसकी बात बड़ी वो भी अपने चीज के बारे में बात करते हैं। देखिए जब इन्फॉर्मेशन की बात आती है तो वो अटक जाते हैं प्रोटीन पे, और जब प्रोटीन पे अटकते हैं तो बहुत सारी चीज निकलती है। कभी लास्ट हेल्थ के सेशन डिस्कस करेंगे कि कितनी पावरफुल चीज है। बट आज दुनिया के हर इंसान के शरीर में खून की कमी है, हर इंसान के शरीर में खून की कमी है, और ये नया खून बनाना है तो स्पर्ना खाना पड़ेगा। आज खाएंगे तो अच्छा है, नहीं तो कल खाना पड़ेगा। तो ये बिलियन डॉलर इंडस्ट्री है, इसका इंडस्ट्री इतना बड़ा है जिसके बारे में बात करना बहुत मुश्किल है। कभी आराम से टाइम मिलेगा तो बात किया जाएगा। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि ड्रीम है जिंदगी में तो प्लेटफॉर्म सही है, आज मेहनत करना पड़ेगा, नहीं तो आने वाले टाइम में महंगाई मारेगी। आपकी जो कमाई है वो महंगाई से आगे चल रही है, पीछे पीछे भाग रही है, पीछे पीछे भाग रही है। महंगाई पे जान, महंगाई को जीतना है तो आपको वेलनेस इंडस्ट्री में करियर बनाना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया में आने वाले टाइम में वेलनेस इंडस्ट्री ही राज करेगा, और वेलनेस इंडस्ट्री का किंग है गैनो डर्मा। आ गया इधर, ये वेलनेस इंडस्ट्री का किंग है, तो इसके साथ अगर है तो जिंदगी चेंज हो जाएगी। तो चेंज करने के लिए इसको पहले खाना पड़ेगा, और ये कैसे काम करेगा मार्केट के अंदर जाके, इसको आपसे उससे सीखना पड़ेगा जो आपको यहाँ पे आज इनवाइट किया है, और जो यहाँ पे पहले से डिस्ट्रीब्यूटर हैं, इनको और भी ज्यादा सीखने के लिए और भी ज्यादा सेमिनार्स में, मीटिंग्स में, ट्रेनिंग्स में सीरियसली बैठना पड़ेगा, सीखना और समझना पड़ेगा, क्योंकि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जमाना है। अगर आपके पास जानकारी नहीं तो आप बहुत पीछे छूट जाएंगे। आपके पास जानकारी नहीं है, आपके हाथ में AK-47 आ गया, चलाना पता नहीं है, डंडा वाला डंडा दिखा के आंख दिखाएगा, मार के जाएगा, क्योंकि आपके हाथ में तो आ गया बट चलाना पता नहीं है। तो चलाना सीखना चाहिए कि नहीं सीखना चाहिए? कितने लोग सीखते हैं? सब लोग सीखते हैं, तो सीख के फिर वो रख लेते हैं या फिर मार्केट में भी प्रमोट करते हैं? सीखिए, जब सीखेंगे तो परीक्षा होगी। हम लोग स्कूल में पढ़ते थे ना, 365 दिन का स्कूल होता था, स्कूल में पढ़ते थे, पढ़ के क्या हुआ, इसकी परीक्षा होती थी तो रिजल्ट आता था, फेल हुए की पास हुए। इस बिजनेस के अंदर भी आपको सीखना पड़ेगा, लेकिन एग्जामिनर बाहर बैठे हुए हैं गांव में, देहात में, मार्केट में, चाचा जी, ताऊ जी, ये लोग, वो आपको सर्टिफिकेट जारी करेंगे। वो फेल कर दिए तो इसका मतलब और सीखना है। ये सब्जेक्ट गलत नहीं हो सकता, इसकी एजुकेशन गलत नहीं हो सकती, हम थोड़ा सीखने में टाइम लगा रहे हैं। तो सीखना चाहिए कि नहीं सीखना चाहिए? सीखना चाहिए, क्योंकि बाहर की दुनिया में अगर हमने जितनी चीजें सीखी हुई है वो हमको अमीर नहीं बनाती है, लेकिन यहाँ जो हम सीखते हैं वो हमको अमीर बनाती है, बशर्ते हम अमीर बनना चाहते हैं कि नहीं। और अमीर बनने के लिए मेहनत भी करना पड़ेगा और सीखना भी पड़ेगा, और सबसे इम्पोर्टेंट आपको टाइम भी देना पड़ेगा। तो जो लोग आज यहाँ आए हुए हैं या नया सीखे हो, जो भी है, कम से कम 5 साल दिल से, जुनून से, जोश से, सिस्टम से अगर आपने काम कर लिया तो 5 साल के बाद आपको अपना नाम नहीं बताना पड़ेगा, लोग बोलेंगे देखो फलाना जा रहा है, उसके जैसा होना चाहिए। तो ऐसा करना चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। तो ऐसा करना चाहिए तो ऐसा कर जाइए, कर जाएंगे तो नाम हो जाएगा, नहीं कर जाएंगे तो जनसंख्या बढ़ गई, खो जाएंगे, कोई पूछने वाला नहीं होगा। फिर एक दिन जब इन लोगों का जो सफल हो जाएंगे आपके साथी, जब वो लोग आपके बीच से गुजरेंगे तो आप यही बोल सकते हैं कि मेरा दोस्त था, क्योंकि अब है नहीं, क्योंकि अमीरों के साथ बैठता उठता है। मैंने भी शुरू किया था, देखो ये कितना भाग्यशाली है, कर गया और हम नहीं कर पाए, इतना अच्छा भाग्य नहीं था। जो अनसक्सेसफुल होते हैं वो यहाँ ऐसे पिटते हैं, ये दोस्त भाग्य के पीछे कर्म छुपा हुआ होता है कि नहीं? हमें सफल लोगों का सफलता दिखता है मगर उसके पीछे की मेहनत नहीं दिखती है। जैसे हमारे यहाँ कोई बोला, अरे मुकेश अंबानी तो बड़ा लकी आदमी है,
लेकिन उसके बाप क्या कोई नहीं जाकर पूछता कि उसने कितना मेहनत किया। धीरू भाई अंबानी कितना मेहनत किया है। माय डियर फ्रेंड, धीरू भाई अंबानी की अगर आपको सफल होना है तो क्या करना पड़ेगा? सफल आदमी के साथ रहना, आपको सफल लोगों के साथ दोस्ती करनी पड़ेगी। और आपकी दोस्ती किसके साथ है? गरीबों के। आपकी दोस्ती किसके साथ है? आप मेरे इधर भी अनसक्सेसफुल, इधर भी अनसक्सेसफुल, ये भी अनसक्सेसफुल। हाँ, तो मैं बोलता हूँ अमीर बनूंगा, बोले छोड़ यार बाप दादी नहीं बनी तू क्या बनेगा? जितनी चादर उतनी पैर पसार, यही होता है ना। तो हम भी चुपचाप बैठ जाते हैं। दोस्तों अमीरों के दोस्ती हो सकती कि नहीं हो सकती? हो सकती है। कितने लोगों की दोस्ती आज से अमीरों के साथ होगी? अमीरों के साथ उतना बैठना है। आपके देश में सबसे अमीर कौन है? सीजी ग्रुप चौधरी, सीजी ग्रुप। तो विनोद चौधरी से दोस्ती कर सकते हैं? कितने लोग विनोद चौधरी के दोस्त बन सकते हैं? कितने लोग अंबानी के दोस्त बन सकते हैं? कितने लोग टाटा के दोस्त बन सकते हैं? कितने लोग बिल गेट्स के दोस्त बन सकते हैं? वॉरेन बफेट के दोस्त, स्टीव जॉब्स के दोस्त, कितने लोग बन सकते हैं? सभी लोग। मैं इन सबका फ्रेंड हूँ। मैं बजाइए ताली मेरे लिए। अभी मेरी दोस्ती 6 महीना पुरानी है इन लोगों से, और जबरदस्त दोस्ती है, एकदम भयानक दोस्ती है। इनके साथ मेरी कॉफी शुरू होती है, इनके साथ मेरा खाना शुरू होता है, इनके साथ मेरी ट्रेवल होती है गाड़ी के अंदर, मैं इनके साथ हूँ। दोस्त फिजिकल दोस्ती हो ना हो, बट इनकी जीवनी अगर आप पढ़ना शुरू कर दें, सचिन तेंदुलकर के बारे में दुनिया जानती है कि भारत रत्न है, 100 टेस्ट में वनडे मिला के शतक है, रनों का पहाड़ है, गॉड ऑफ क्रिकेट है, सब जानते ही जानते हैं। बस सचिन तेंदुलकर का फिनिश प्रोडक्ट तो पता है, मगर उसने ये हुआ कैसे, रात में प्रैक्टिस कैसे की, कितना मेहनत किया, किसी को पता है? कैसे पता चलेगा? जब आप सचिन तेंदुलकर की जीवनी पढ़ेंगे, जब आप स्टीव जॉब्स की जीवनी पढ़ेंगे, जब बिल गेट्स की जीवनी पढ़ेंगे, जब रॉबर्ट कियोसाकी की जीवनी पढ़ेंगे, जब आप विनोद चौधरी की जीवनी पढ़ेंगे, तो उनका जो जीवन का सफर है उसमें जब आप साथ में चलेंगे तो आपको उनका थॉट प्रोसेस समझ में आएगा। सोचते क्या, सोचता क्या था, जमीन के नीचे था, गरीब था, ये वहां से उठ के पूरी दुनिया में कैसे फैला छा गया। बट हमारी दोस्ती किसके साथ है? व्हाट्सएप के साथ। दोस्त फेसबुक व्हाट्सएप को छोड़ के यूट्यूब पे शिफ्ट हो जाइए, गूगल पे शिफ्ट हो जाइए। यूट्यूब गूगल पे भी बहुत सारा लफड़ा है। या तो आप सपना चौधरी का डांस देख लीजिए, या फिर लोगों के बारे में पढ़ लीजिए। वहाँ पे आपको अपने दिमाग को मजबूत करना पड़ेगा पड़ेगा। या तो सपना चौधरी का डांस मिलेगा, या फिर स्टीव जॉब्स की दोस्ती मिलेगी। क्या करना है? स्टीव जॉब्स, स्टीव जॉब्स की दोस्ती। तो जब आप इनसे साथ दोस्ती करेंगे, इनकी जीवनी पढ़ेंगे, इनके बारे में पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा हाँ, एक जमीन के नीचे बैठा हुआ आदमी भी अमीर कैसे हो सकता है, तब ये प्रोडक्ट कैसे प्रमोट होगा, हमारी दोस्ती कैसी होगी आपको समझ में आएगा। तब आपको समझ में आएगा कि दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। क्योंकि ये वेलनेस इंडस्ट्री बोलती है कि आने वाले टाइम में 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग दुनिया में सबसे अमीर लोगों से भी ज्यादा अमीर बनेंगे। आज की डेट में अगर देखा जाए तो दुनिया में जो सबसे अमीर लोग हैं उनसे भी ज्यादा अमीर बनेंगे 1 करोड़ लोग। ये इंडस्ट्री पैदा करने वाली है आने वाले 2050 तक। तो आप हो सकते कि नहीं हो सकते? दोस्तों 1980 में बिल गेट्स जहां बैठे हुए थे, आज उसी पोजीशन में हम लोग भी बैठे हुए हैं। क्योंकि अभी बदला कुछ ज्यादा नहीं है। बिल गेट्स के पहले भी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री थी, लोगों ने काम किया था, बट बिल गेट्स ने कुछ अलग सोचा, कुछ अलग किया, कुछ अलग तरीके से काम किया। इस कंपनी के आने से पहले भी बहुत सारा मार्केट में एमएलएम कंपनी था, आज भी है और आने वाले टाइम में भी बहुत सारा आएगा। बट वेलनेस में जो राजा है वही दुनिया पर राज करेगा, क्योंकि इंडस्ट्री तो उसी की है। तो टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि इसके सिस्टम के बारे में, ये प्रोडक्ट का मार्केटिंग पोजिशन क्या, इसके बारे में समझना और लोगों से बात करना। अगर ये चीज को लेके हम बीमारी के पीछे पड़ गए तो गड़बड़ हो जाएगा। ये चीज हमारे गोविंद जी ने बहुत कम टाइम में बताया, इनका इस हालत इतना खराब था कि आज शायद जिंदा भी नहीं होते। क्यों गोविंद जी? ये आज शायद जिंदा भी नहीं होते, कहानी खत्म हो जाती, फोटो पे माला लग गया होता उस पर, हाँ भाई गोविंद जी थे। लेकिन इनका लाइफ चेंज किया, यानी कि बीमार कंडीशन में चेंज किया, तो सोचिए हम हेल्दी कंडीशन में लेंगे तो कैसा होगा। तो इसका सही मार्केट क्या है, इसका सही पोजीशनिंग क्या है, इसको अगर हमने बात किया, इसको हमने प्रमोट किया, तो वी आर ट्रू वेलनेस प्रमोटर। हम एक अच्छे और सच्चे वेलनेस प्रमोटर बनेंगे, तो इन फ्यूचर हम लोग एक सच्चे अमीर और रईस भी बनेंगे। वरना चाइनीज रईस बन जाएंगे। चाइनीज रईस कैसा होता है?
एक महीने में खूब आया, अगले महीने में खत्म खत्म हो गया। चाइनीज मोबाइल का चाइनीज चार्जर लगाया, 5 मिनट बैटरी फुल, और जब बात करी उसी में बैटरी गुल। ठीक है, तो एकदम असली और अच्छा अमीर बनना है, असली और अच्छा हेल्दी इंसान बनना है, तो इसको खाना पड़ेगा और इसको सही से बताना पड़ेगा। बस आज इतना ही, आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपका लाइफ ईश्वर चेंज करने के लिए आपको शक्ति दे, ताकत दे, आपको मदद करे। विश यू ऑल द बेस्ट।